दोस्तों आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में कौन से होंगे वो 10 खिलाड़ी जिनके ऊपर सबसे बड़ी बोली लगते हुए नजर आएगी, यानी कि टॉप 10 रिचेस्ट प्लेयर की बात जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपके हिसाब से दोस्तों कौन से प्लेयर के ऊपर सबसे तगड़ी बिडिंग हो सकती है आईपीएल 2021 के ऑक्शन में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हमें नजर आने वाले हैं, जहां पर कुछ ऐसे खिलाड़ी जो कि पिछले साल आईपीएल नहीं खेल पाए थे वो यहां पर अपना नाम देंगे। वहीं दोस्तों कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्हें टीमों ने रिलीज किया है वो भी इस साल के ऑक्शन में जो है हमें नजर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे प्लेयर इस साल हमें मिलेंगे जिनके ऊपर बहुत ही तगड़ी बिडिंग जो है होते हुए नजर आ सकती है। चलिए बात करते हैं टॉप 10 प्लेयर की जो कि सबसे रिचेस्ट हो सकते हैं, जिनके ऊपर सबसे तगड़ी बिडिंग जो है वो लग सकती है। तो लिस्ट में दोस्तों 10वें नंबर पर हमने रखा है बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को। पिछले साल बैन के कारण दोस्तों ये नहीं खेल पाए थे, हैदराबाद की टीम ने इन्हें रिलीज कर दिया था। ऐसे में दोस्तों इस साल ये ऑक्शन में आने वाले हैं और जब ये ऑक्शन में आएंगे तो काफी सारी टीमें इनके पीछे जाएगी और बहुत ही तगड़ी बिडिंग जिस तरह के प्लेयर हैं शाकिब अल हसन इनके ऊपर जो है वो लग सकती है। बात करें दोस्तों नंबर 9 की, तो लिस्ट में नंबर 9 पर हमने रखा है मुजीबुर रहमान को। अफगानिस्तान के बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये स्पिनर हैं, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इन्हें रिलीज किया। 4 करोड़ रुपए इनकी प्राइस थी, काफी सरप्राइज हुआ जब ये रिलीज हुए। ऐसे में दोस्तों इस साल जब ये ऑक्शन में आएंगे तो 4 करोड़ से बहुत ही ज्यादा रकम इन्हें मिलने वाली है और यहां पर वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट प्लेयर इस साल के ऑक्शन में होते हुए नजर आ सकते हैं मुजीबुर रहमान। बात करें दोस्तों नंबर 8 की, तो लिस्ट में नंबर 8 पर हमने रखा है मैथ्यू वेड को। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपन भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं रिसेंटली अगर हम देखें तो। और ऐसे में जब ये ऑक्शन में आएंगे तो इनके पीछे भी बहुत सारी टीमें जो है वो जाने वाली है जिन्हें विकेट कीपर की जरूरत होगी, ओपनर की जरूरत होगी, काफी अटैकिंग बैट्समैन है। बात करें दोस्तों नंबर 7 की, तो यहां पर आते हैं एक इंडियन प्लेयर जो कि है शिवम दुबे। शिवम दुबे दोस्तों इस साल टॉप इंडियन प्लेयर जो हैं ऑक्शन में होने वाले हैं, जहां पर सबसे मेन इंडियन ऑलराउंडर शिवम दुबे होंगे और काफ़ी सारी टीमें इनके ऊपर बिडिंग करने वाली है। आरसीबी की टीम ने इन्हें रिलीज़ किया है 5 करोड़ रुपए की प्राइस में और 5 करोड़ से ज़्यादा प्राइस इस साल जो है कन्फर्म है कि हमें शिवम दुबे के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। बात करें दोस्तों नंबर 6 की, तो लिस्ट में नंबर 6 पर हमने रखा है नेथन कुल्टर-नाइल को। पिछले साल 8 करोड़ रुपये मुंबई इंडियंस की टीम ने इन्हें दिए थे और इस साल दोस्तों जब ये ऑक्शन में आएंगे फिर से इनके ऊपर अच्छी खासी बोली लग सकती है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। अब बात करें दोस्तों नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर हमने रखा है कैमरन ग्रीन को। कैमरन ग्रीन जो दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं, रिसेंटली हमने इन्हें देखा T20 ODI और टेस्ट तीनों में ही डेब्यू करते हुए और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए। ऐसे में जब ये ऑक्शन में आएंगे तो काफी सारी टीमों की टारगेट लिस्ट में ये होने वाले हैं और इनके ऊपर अच्छी खासी बोली जो है वो लग सकती है। बात करें दोस्तों नंबर 4 की, तो लिस्ट में नंबर 4 पर हमने रखा है ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल जो कि दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं, पिछले साल किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 10 करोड़ से भी ज्यादा की बोली इन्हें दी थी। इस साल दोस्तों जब ये ऑक्शन में आएंगे तो पिछले साल इतनी बोली जो है इन्हें शायद ना मिले, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अच्छी खासी बोली जो है वो लग सकती है। और जिस तरह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्मेंस किया था इंडिया के अगेंस्ट, ऐसा हो सकता है कि एक और बार इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा तगड़ी बिडिंग जो है होते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों बात करें तीसरे नंबर के प्लेयर की, तो लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमने रखा है क्रिस मॉरिस को। आरसीबी की टीम ने दोस्तों सरप्राइजली इन्हें जो है वो रिलीज किया है क्योंकि पिछले साल डिसेंट परफॉर्मेंस इनका रहा था, इंजरी की वजह से ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि क्रिस मॉरिस जो है वो रिलीज होंगे, लेकिन आरसीबी की टीम ने इन्हें रिलीज किया है और इस साल काफी सारी टीमें इनके पीछे जो है वो जाने वाली है और अच्छी खासी रकम जो है इन्हें मिलते हुए नजर आ सकती है। बात करें दोस्तों नंबर 2 की, तो लिस्ट में नंबर 2 पर हमने रखा है स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ जिन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिलीज किया है, इनके पीछे भी दोस्तों अच्छी खासी बिडिंग हमें होते हुए नजर आ सकती है। वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेयर दोस्तों इस साल के ऑक्शन के जो हैं स्टीव स्मिथ हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी का इनके पास एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी है। और बात करें दोस्तों नंबर 1 की, तो लिस्ट में नंबर 1 पर है नन अदर देन मिचेल स्टार्क। जी हां दोस्तों, मिचेल स्टार्क वो प्लेयर
होने वाले हैं जो कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिकते हुए हमें नजर जो है वो कंफर्म से आने वाले हैं। जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि पैट कमिंस जो कि सबसे मेन फास्ट बॉलर थे ऑक्शन में 15.5 करोड़ रुपीज की बिडिंग इनके ऊपर लगी थी और इससे भी ज्यादा बिडिंग इस साल हमें मिचेल स्टार्क के ऊपर जो है वो देखने को मिल सकती है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस साल के ऑक्शन का वो हिस्सा होंगे, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन जो है वो करेंगे आईपीएल 2021 का हिस्सा होकर, और ऐसे में जब ये ऑक्शन में आएंगे तो बहुत सारी टीमें इनके ऊपर बिडिंग करेगी, बिडिंग वॉर इनके पीछे जो है वो छिड़ने वाली है और इस साल सबसे रिचेस्ट प्लेयर ऑक्शन के जो है हमें मिचेल स्टार्क बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम इनके ऊपर सबसे तगड़ी बिडिंग करेगी, क्योंकि कई सारी टीमों ने तगड़ा अमाउंट मिचेल स्टार्क के लिए जो है वो बचा कर रखा है आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है जो कि यहां पर बिकेगा सबसे ज्यादा महंगा? क्या आपको कोई ऐसा प्लेयर लग रहा है जो कि मिचेल स्टार्क से महंगा बिक सकता है आईपीएल 2021 के ऑक्शन में? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।